स्पीड से ज्यादा ना इसकी साइड से। हे गाइस व्हाट्स अप, इट्स योर गुरी वर्मा, इट्स अंजना फ्रॉम फूडाहोलिक। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम आ चुके हैं दोबारा से क्लब मार्केट। क्लब मार्केट में कहाँ पे? तो आज हम जिस लोकेशन पे आए हैं उसका फुल एड्रेस ये है, U28B1 क्लब मार्केट करनाल दयाल सिंह कॉलोनी के पास है ये। और जगह का नाम मैंने आपको अभी तक बताया ही नहीं है, जगह का नाम है डिवाइन ईट लव ट्रीट। तो अंदर जाके देखते हैं कि आज हमें क्या अच्छा अच्छा खाने को मिलता है, यानी कि हम क्या ट्राई करेंगे। डिवाइन कैफ़े एंड पार्टी लॉन्च की एम्बियंस जो मुझे देख के ही काफ़ी प्रिटी लगी है और काफ़ी कूल है ये। और यहाँ पर जैसे अगर कोई पार्टी हो तो यहाँ पर पिक्चर्स भी बहुत सुंदर सुंदर आएंगी, क्योंकि लाइटनिंग मतलब सब जगह अलग है। यहाँ पे थोड़ी डीजे वाली लाइटनिंग आ गई, इधर थोड़ी फ्लावरी वाली, और इधर ये स्विंग्स लगे हुए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है मुझे। मतलब कुछ कूल सा है, जैसे आजकल सबको पिक्चर्स का क्रेज़ रहता है कि कोई पार्टी है तो पिक्चर्स तो होनी चाहिए सबकी। तो यहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के आप पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हैं, तो काफ़ी कूल है। ये हैं यहाँ के मैनेजर। हेलो सर। हेलो, हाय सर, अपना नेम ताजी हमारे व्यूअर्स। माय नेम इज मोहित। मोहित सर, ये यहाँ के मतलब डिवाइन कैफ़े एंड पार्टी लॉन्च के मैनेजर। तो सर यहाँ पे इसको यहाँ पे कितना टाइम हो गया है? सर ये हमारे को कम से कम 6 मंथ हो चुके हैं। यस। और सर टाइमिंग क्या रहती हैं हमारी? 10 AM to 10 PM रहती है। 10 PM और मतलब 7 days ओपन है अभी? बिल्कुल। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? मतलब रिस्पॉन्स अच्छा है, मार्केट में कस्टमर अच्छे आते हैं हमारे यहाँ पे, हाइजीनिक कस्टमर आते हैं। हमारे यहाँ का फूड बहुत टेस्ट है, क्वालिटी देते हैं। जो रेट जो क्वालिटी हम दे देंगे वो आपको पूरे करनाल में कोई नहीं दे पाएगा जी। तो सर्विस हमारे यहाँ की बहुत बेस्ट है सबसे मेन। तो सर आपका जैसे यहाँ पार्टी हॉल है तो उसके मतलब क्या पर हेड क्या चार्जेस? हमारे यहाँ पे 400 पर पर्सन स्नैक्स पार्टी होती है, 500 पर पर्सन स्नैक्स विद मेन कोर्स पार्टी होती है जी। स्नैक्स पार्टी में हमारे 5 तरह के स्नैक्स रहते हैं, अनलिमिटेड स्नैक्स, अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक विद डीजे विद कैमरामैन। DSLR कैमरा होता है हमारे पास, बहुत बढ़िया अच्छा कैमराज होते हैं। स्नैक्स वगैरह हमारे बहुत टेस्ट है, क्या कभी भी कस्टमर आ भी सकते हैं, फूड टेस्टिंग वगैरह भी हम करवा देते हैं। मतलब जी जी बिल्कुल। या सबसे पहले कस्टमर को पता होना चाहिए ना क्या चीज़ हमें पार्टी में देने वाले हैं, और पार्टी में जब तक फूड क्वालिटी का नहीं पता चलेगा तब तक कैसे पता चलेगा, यही बात है। स्पेशलिटी हमारी सारी चीज़ें, ये नहीं है भाई एक ही चीज़ है हमारी स्पेशलिस्ट। हमारा सबसे मेन तो हमारा पिज्ज़ा का है, पिज्ज़ा भी बहुत हमारा बेस्ट है। पिज्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, बर्गर हो गए, जो नॉर्मल प्राइस है हमारे, जो एक नॉर्मल बार मिलते हैं उससे ही हम एक ही छत के नीचे हर एक चीज़ क्वालिटी दे रहे हैं। बहुत बेस्ट क्वालिटी है, सर्विस है बहुत ही बढ़िया। एक बार मैं कहता हूँ विजिट करके देखिए, डिवाइन कैफ़े क्लब मार्केट में है, सबसे पहली बिल्डिंग है हमारी क्लब मार्केट में, डिवाइन कैफ़े एंड पार्टी लॉन्च के नाम से। तो यहाँ के मैनेजर, हमने सर से तो बात कर लिया, लेकिन अब आ गई है बारी मेन्यू की। मेन्यू देख लेते हैं कि हमें यहाँ पर क्या क्या आने वाली है। चलो फिर आप मेन्यू पर थोड़ा सा जूम करो। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं स्नैक्स, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर। मेन्यू थोड़ा ह्यूज है तो फिर मैं जल्दी जल्दी इसको कर देती हूँ ताकि ज़्यादा बोरिंग ना लगे, इसके बाद हम खाने वाली चीज़ें खाएंगे। फिर आते हैं स्नैक्स में ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं, वेज एंड नॉन वेज दोनों हैं, सैंडविचेस, फ्रेंकी रोल्स, प्राइजेस सबके मैंशन है। देन चाइनीज़ में आते हैं काफ़ी वैरायटी, जिसकी यहाँ पे 100 से 200 या 250 तक के ही चार्जेस दिख रहे हैं मुझे सबके। और यहाँ आ जाता है मेन कोर्स में सारा वेजिटेरियन, इधर रोटी में ब्रेड में आ गए हैं, देन नॉन वेजिटेरियन में भी, और ये भी इधर सारा वही है रायता और सब। ये हो गया हमारा मेन्यू खत्म। नहीं, ये ड्रिंक्स आ गई हैं जिसमें शेक्स, कॉफ़ीज़, थिक शेक्स,
मॉकटेल्स मतलब शेक्स, और ये थोड़े नॉर्मल होंगे, ये थोड़े थिक होंगे, ज़्यादा मतलब वो होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि हमने आज क्या ट्राई करना है। तो गाइज आज का हमारा ऑर्डर ये रहेगा चीज़ पिज़्ज़ा सैंडविच, जो मतलब मुझे कुछ यूनिक आइटम लगी तो मैंने सोचा कि टेस्ट करना चाहिए, जिसको मतलब सोच के मुझे भूख लग रही है। और इसकी कॉस्ट है 170। इसके बाद हमारा चाइनीज़ में से रहने वाला है चिल्ली पटैटो, जिसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़। देन हमने एक थोड़ा खाने का ज़्यादा हो गया तो थोड़ा गौतम ने सोचा कुछ पी लेते हैं, तो हम एक कर रहे हैं शेक, नॉर्मल शेक कर रहे हैं, थिक शेक नहीं, किटकैट शेक, जिसकी कॉस्ट है 120 रुपीज़। तो अब हम वेट करेंगे अपने ऑर्डर का और मुझे बहुत भूख लग रही है। तो गाइज ये आ चुका है हमारा शेक, चिली पटैटो, चीज़ वाला पिज़्ज़ा, मतलब पिज़्ज़ा सैंडविच चीज़ वाला। इसकी चीज़ यार शॉर्ट्स में ना ठंडी हो जाती है, तो फटाफट से पहले हम इसे ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर ये ऑर्डर ठंडा हो जाएगा। ये ठंडा ही है। देखो चीज़ ठंडी हो गया ना, पर फिर भी कोई बात नहीं, व्लॉगर्स का मतलब यही होता है, इनका नुकसान थोड़ा सा। तो इसके ऊपर पहले तो हम दिखा देते हैं, वेजीज डली हुई हैं, स्वीट कॉर्न, अनियन और ये कैप्सिकम, देखा देखा दे सुना। और इसके अंदर अलग फीलिंग है, ये डबल लेयर है, डबल लेयर है ऊपर, मतलब ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग लगा लो, मतलब पिज़्ज़ा की लेयर है और अंदर सैंडविच की है, तो गजब कॉम्बिनेशन है। हाँ तो इसे टेस्ट कर लेता हूँ मैं। इसे हम एक तरह से बोल सकते हैं पिज़्ज़ा है पर नीचे सैंडविच का बेस है, इसका नाम चीज़ पिज़्ज़ा सैंडविच है। इसके अंदर वेजेस भरपूर है और इसका टेस्ट एकदम अलग है। जो ये ब्रेड है ना बिल्कुल क्रिस्पी होया हुआ है, पहले से मेरे को लग रहा है इसने ग्रिल नहीं किया, मतलब सीधा ओवन में किया है, बेक किया। ये मतलब सैंडविच की फीलिंग होगी पूरी, मेयोनीज वगैरह डाल के पूरी ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग होगी, जैसे हमने सोचा था ना, अलग है। और टेस्ट करेंगे इसको, अलग है पर ये चीज़ पूल नहीं आया इसमें यार, ठंडा हो गया है। हाँ इसमें आता पर हमने फोटोज वगैरह खींची ना जब तक, इसलिए कहते हैं गरम गरम खा लेना चाहिए। शेक भी टेस्ट कर लेते, ये शेक के ऊपर क्या है, ये किटकैट डली हुई है ना, ये भी क्रश करके किटकैट शेक है। हाँ ये अच्छी लग रही है ना, साइड में देखो ये मतलब सिरप डाल देते ना जब, अलग ही लुक आ जाती है एकदम से। वन 120 रुपीज़ के हिसाब से परफेक्ट शेक है, पूरा चॉकलेटी है। ओरियो मेरा फेवरेट है पर मुझे किटकैट भी पसंद आ रहा है बहुत ज़्यादा। अगर ये इतना ठीक है, अगर हम थिक शेक लेंगे ना तो कितना ठीक होगा, स्ट्रो से आएगा कि नहीं, या चम्मच से ही खाना तो पड़ेगा। गौतम ने हमारा पिज़्ज़ा सैंडविच टेस्ट कर लिया है, मैंने भी एक बाइट ले ली, दिखते नहीं रही एक बाइट ली थी, अच्छा लगा। हाँ इसमें सही में ना पिज़्ज़ा और सैंडविच ब्रेड का भी टेस्ट आ रहा है नीचे, और ऊपर पिज़्ज़ा की टॉपिंग का टेस्ट आ रहा है, और अंदर जो वेजिज हैं वो फुल उसको कुक नहीं किया गया, मतलब वो थोड़ा थोड़ा क्रंच दे रही है, जैसे अनियन हो गया ना, अनियन हो गया ऐसे, वो ना थोड़ा क्रंची क्रंची से लग रहा है एकदम से, मुंह पे टेस्ट दे रहा है उस चीज़ का, और अच्छा लगा। ठीक है हाथ नहीं लगाती, कैलरीज इसमें चॉकलेट सिरप पूरी, मतलब सोच के नहीं डाला गया कि कितना डालें, वो लग रहा है कि एक पैकेट डाल दिया हमारे इसमें। और ये किटकैट का बहुत फ्लेवर आ रहा है इसमें, और ये मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है, चॉकलेटी चॉकलेट वाला है तो चॉकलेट ही होगा ना। तो अब हमने चिली पटैटो जो बिल्कुल हमने ठंडे कर दिए हैं तो उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। हाँ वैसे मैंने पहले खाया था ना, वो मुझे अच्छा लगा था, ये इसने आपने खा लिया था।
तो इसमें अच्छे से सब डाला हुआ है और यहाँ सब सजा के रखा है। और जैसा मैंने सोचा था वैसा है, क्रिस्पी थोड़ा कम है क्योंकि वो ठंडा हो गया थोड़ा, बट मुझे ऐसे होता है चिली पटेटो में कई बार हनी चिली पटेटो है ना तो हनी ज़्यादा कम हो गया या फिर नमक मिर्च का या मसालों का ज़्यादा रहता है, बट इसमें बिल्कुल सही डाला हुआ है सब कुछ। और मुझे हनी चिली पटेटो इसलिए कम खाना पसंद है क्योंकि उसमें हनी ज़्यादा डाल देते हैं कुछ लोग, बट इसमें मतलब जितना होना चाहिए ना इनफ है, इतना ही होना चाहिए। और ये ओवरऑल काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है। आवाज भी आ रही बिल्कुल क्रंच की, तो गाइस अभी हम आ चुके हैं अंदर से बाहर खा पी के और जो हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ चुका है सब चीज़ें ट्राई करके। तीनों आइटम एक नंबर थे और पार्टी हॉल के 400 चार्जेस हैं पर हेड और 10 मेंबर्स तो होने चाहिए क्योंकि पार्टी हॉल कर रहे हैं, 10 मेंबर्स तो होने चाहिए और कैमरा और डीजे इनका ही होगा उसमें और 500 विद मेन कोर्स होगा, मेन कोर्स के साथ। और पार्टी हॉल के चार्जेस भी जायज है। हमने इतनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स क्लिक करी है, गौतम की भी ठीक ठाक आ गई है, वो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख लेना इट्स गुरुवर्मा के नाम से। तो फिर मटर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर देना, मिल करके बता देना कि आपको क्या चीज पसंद आई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट थर्सडे को अगली वीडियो में, बाय बाय। चार्जेस भी जायज है बिल्कुल, मतलब फूड